हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड यूट्यूब चैनल और दिस इज़ आशु आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एक अक्टूबर के हैं मतलब हम अक्टूबर का महीना जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी आपको सितंबर के मंथली वीडियोस और जो दो वीकली वीडियोज़ पेंडिंग है वो भी आपको बहुत ही जल्दी जो है वो मिल जाएंगे तो आज की हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो अदरवाइज चार से पांच करंट अफेयर्स जो है वो आज इंपॉर्टेंट हैं आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो है वो यहाँ से सीख के चले जाओ और उससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइक ये करंट अफेयर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो उसके दो मेथड हैं या तो आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स को या फिर आप क्या कर सकते हो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे लिंक है तो उसमें जो है वो आप सीधा ही सब्सक्रिप्शन पेज पे पहुंच जाओगे और इस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको वीकली पीडीएफ मिलेंगे वीकली टेस्ट होगा ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सको और मंथली पीडीएफ मिलेगा मंथली पी में आपको वराइटी ऑफ पीडीएफ्स मिलेंगे जिसमें एक को तो टॉप हंड्रेड करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे उस महीने के और एक जो है वो आपको बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी का पीडीएफ मिलेगा ताकि जो आई की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका आपको पॉकेट पीडीएफ का मिलेगा ताकि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रही है जिसकी वैलिडिटी जो है वो दिसंबर टू में खत्म हो जानी है और ये सारी चीजें बहुत ही मिनिमल प्राइस पे जो मिलेंगी एक बार आप विजिट करके देखो आपको खुद लगेगा कि बहुत कम प्राइस पे ये सारी चीजें मिल रही हैं और उस मिनिमल प्राइस पे भी हम 10 परसेंट आपको डिस्काउंट दे रहे हैं एश टेन के नाम से एस एच वन जीरो इस नाम से जो है वो आप अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको 10 परसेंट डिस्काउंट जो एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस को और इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है हु लॉन्च ऑपरेशन माई सहेली टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ वोमेन पैसेंजर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वोमेन प्रोटेक्शन के लिए कह सकते हो या वोमेन को सिक्योर रखने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन माई सहेली तो आपने बताना है रेलवे के किस जोन ने जो है वो उसको क्या किया है स्टार्ट किया है तो इसके अंदर क्या होगा वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं दो तीन चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो भी वोमेन जो है वो इस ट्रेन में ट्रेवल करेगी इस जोन के अंदर तो उसमें वोमेन सब इंस्पेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगी वोमेन पैसेंजर को ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपने याद रखना है और अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर सब इंस्पेक्टर्स देंगी पैसेंजर्स को ताकि इमरजेंसी के टाइम पे तो उसको यूज किया जाए ये तो हो गया पहला स्टेप कि उनको जब वो ट्रेन में ट्रेवल करेंगी तब उनको ये नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सेकेंड क्या होगा फिर जो टीम होगी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी लाइक उस वोमेन का सीट नंबर क्या है कौन से सीट नंबर पे वो बैठे हुए हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर ताकि थ्रू आउट जर्नी वो उनके कॉन्टेक्ट में रहें कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको पता लग सके तीसरा इसमें क्या होगा कि यही जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है जिस स्टेशन पे पे उन्होंने उतरना है वहां पे भी बताई जाएगी ताकि वहां पर रीचेक किया जा सके कि वो सही सलामत स्टेशन पे पहुंच चुके हैं तो ये सारी चीजों से क्या होगा वोमेन सिक्योरिटी जो है वो एनहेंस होगी तो इस तरह से तीन स्टेप्स में जो है वो चीजें की जाएंगी और ये कौन से रेलवे ने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स ये स्टार्ट किया है साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कौन से ने साउथ ईस्टर्न रेलवे और हेडक्वार्टर कहां पे साउथ ईस्टर्न का साउथ ईस्टर्न का हेडक्वार्टर है कैलकटा याद रखना है आ, चार रेलवे जोन तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपने याद रखने हैं कौन कौन से नॉर्थ का कौन सा है दिल्ली है साउथ का कौन सा है चेन्नई है ईस्ट का कौन सा है कैलकटा है वेस्ट का कौन सा है? का है वेस्ट का है चर्च गेट चर्च गेट कहां पे है मुंबई में तो इस तरह से आप जो है वो क्या रखोगे याद अब आगे ईस्टर्न रेलवे लाइक नॉर्थ ईस्टर्न कहां पे है नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो गोरखपुर में है यहां पे ऑप्शन है तो गोरखपुर है नॉर्थ वेस्टर्न कहां पे है जयपुर में है साउथ वेस्टर्न कहां पे है हुबली है जो कि कहां पे कर्नाटका में साउथ ईस्टर्न जो कि हमारा आंसर है वो कहां पे कैलकाटा में ही है तो इस तरह से आपने याद रखना है फिर आपने सेंटर वाले कर लेने हैं हर के तो सेंटर वाले याद हो जाएंगे तो इस तरह से टोटल आपने सारे के सारे याद करने मैंने आपको सात आठ तो करवा भी दिए हैं तो आंसर क्या है साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया ऑपरेशन माई सहेली वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए तो याद रखना है कौन सा रेलवे है नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रंट लाइन मेंबर्स ऑफ द डिफेंस इन इंडिजीनियस इनोवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है इंडिजीनियस इनोवेशन कि हम इंडिया में आत्मनिर्भर भारत को लेके हैं जैसे आप तीस सितंबर कल वाली न्यूज को अगर देखोगे उसमें भी हमने एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात की हुई है जिसमें इंडिजीनियस डेवलपमेंट uh, के बारे में बात की गई है डिफेंस सेक्टर के अंदर इसमें क्या है कि जो डिफेंस सेक्टर के मेंबर्स हैं जो uh, उनके सोल्जर्स हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस का जो हम कह सकते हैं कि उसका पार्ट बने और क्या करें उसमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज दें ताकि हम क्या कर सकें और भी इक्विपमेंट्स में जो है वो टेक्नोलॉजिकल बेस पे डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन कर सकें और उसका आपने मुझे नाम बताना है कि क्या रखा गया है और उसका नाम फ्रेंड्स क्या है डी ऑप्शन आई डेक्स फॉर फॉजी आई डेक्स का मतलब क्या है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ताकि फौजी मतलब सोल्जर्स भी जो हैं वो इसमें सहयोग कर सकें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकें कि क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट जो है वो और कर सकें इवन उन्होंने इस चैलेंज के अंदर जो है वो और भी लोगों को इन्वाइट किया है लाइक like चाहे वो स्टार्टअप्स हैं चाहे वो इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड से जुड़े हुए हैं कोई अकेडमिशियंस हैं कोई भी हैं तो उनको कहा गया कि आप आओ और हमें बेटर आइडियाज दो इसके लिए एक चैलेंज लॉन्च किया गया जिसको कहा गया डिस्क फोर चैलेंज डिस्क फोर चैलेंज का मतलब है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के तहत इनवाइट किया गया अलग अलग एमएसएमई को स्टार्टअप को इंडिविजुअल इनोवेटर्स को कि आओ हमें आइडियाज दो कि हम बेस्ट टू बेस्ट जो है वो एरोस्पेस इको और डिफेंस के अंदर बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आ सके तो इस चैलेंज का नाम है डिस्क फोर चैलेंज और किसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है राजनाथ सिंह जी याद रखना अपने इस चीज को तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसके अंदर आपको बता दी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इंडिया विंच कंट्री हेल्ड द सिक्स ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग थ्रू ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म तो होगी तो भाई वर्चुअली क्योंकि कोविड नाइनटीन चल रहा है और सिक्स टाइम ऐसा हुआ है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कंसल्टेटिव कमीशन के थ्रू जो है वो बातचीत हुई है हमारी तरफ से तो एस जयशंकर जी थे तो उन्होंने इस मीटिंग को संभाला है इस मीटिंग के अंदर गए हैं वो उन्होंने बाइलेटर रिलेशन के बारे में बात की है टेरोरिज्म के बारे में बात की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोहिंग्या इशू के बारे में बात की है तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया कोविड नाइन्टीन के बारे में तो बात होगी होगी लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो हाईलाइट किया गया है वो रोहिंग्या का है कि आप रोहिंग्या को अपनाओ और आपने देखना है कि वो कौन सी कंट्री के साथ चल रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है आप सोच रहे हो बांग्लादेश तो बांग्लादेश के साथ ये इशू चल रहा था तो बांग्लादेश के साथ ये मीटिंग हुई है तो आप देख सकते हो एस जयशंकर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये मीटिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही है शेख हसीना जी कैपिटल डाका है करंसी जो है वो भी आपको मेरे ख्याल से पता होगी टका है

हमने किया हुआ है सुरेश प्रभु जी को इसको किया हुआ है सुरेश प्रभु जी को हमारे फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर उनको हमने शेर पर नॉमिनेट किया हुआ है जी सेवन के लिए और जी ट्वेंटी के लिए अब मीटिंग तो उन्होंने अटेंड किया सुरेश प्रभु जी ने लेकिन ये जी ट्वेंटी की प्रेजिडेंटशिप है किसके पास भाई ये मैंने आपको बहुत सी न्यूज के अंदर बता दिया है हर रोज ऑलमोस्ट बताते हूँ मैं आपको कि जी ट्वेंटी की जो मेंबरशिप जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है सऊदी अरबिया के पास है पास है सऊदी के बारे में दोस्तों याद रखना है यूरोपियन यूनियन और प्रेजिडेंटशिप जो है वो सऊदी अरेबिया के पास है और इसका थीम जो है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली है, है? है. है इसका रिलाईजिंग ऑपरचुनिटीज ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉर ऑल रिलाइजिंग ऑपरचुनिटीज फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉर ऑल इसको याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन का कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी मेंबर है जी ट्वेंटी की वो कौन सी है यूरोपियन यूनियन है तो बहुत सी चीजें हमने देख ली हैं और प्रेजिडेंटशिप अगर सऊदी अरेबिया के पास है तो चेयरमैन कौन है सऊदी अरेबियन किंग होंगे कौन सलमान सलमान बिन साद याद रखना है सलमान से नाम आपको याद रहेगा तो आप देख सकते हो जी ट्वेंटी के शेरपा कौन है आ, सुरेश प्रभु जी याद रख लेना जी सेवन के लिए भी सेम है जी ट्वेंटी के लिए भी सेम है दोनों के लिए नॉमिनेट किया हुआ है नेक्स्ट आते हैं विच बैंक पार्टनर विद अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क सर्विसेज टू प्रोवाइड ग्लोबल बेनिफिट्स एंड ऑफर एक्सक्लूसिव प्रविलेजेस तो आ, ये कौन से बैंक के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है या आप कह सकते हो कौन से बैंक के कार्ड के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है जिसने अमेरिकन ग्लोबल एक्सप्रेस नेटवर्क के थ्रू जो है वो कुछ इस तरह के कार्ड्स लॉन्च करने हैं जो कि प्रीमियम कस्टमर्स को हैंडल कर सके मतलब वो सिर्फ किसको देने की बात कर रहे हैं प्रीमियम कस्टमर्स की बात करें एलिट सेक्शन जो है इंडिया का उसको देने की बात कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा ट्रेवल करते हैं उनको उन तरह की प्रोविजन मिल सके ठीक है लॉन्च एक्सेस मिल सके उनको शॉपिंग के लिए जो है वो मिल सके चीजें पॉइंट्स मिल सके तो धीरे धीरे करके ताकि उन तक जो है वो हमारा आप कह सकते हो कि आ, पूरी पहुंच जो है वो उन तक पहुंच सके तो एलिट सेक्शन के लिए पहले तो ये बात याद रखनी है तो इसको हम क्या कहते हैं निशे बैंकिंग या नीचे बैंकिंग इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो है वो उन, सिर्फ कुछ खास लोगों को जो है वो टारगेट किया जाता है तो उस बैंकिंग को हम क्या कहते हैं निशे बैंकिंग तो ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो है वो कौन से कार्ड्स के द्वारा दी जाएगी एस कार्ड्स के द्वारा इसको दिया जाएगा तो एस बी कार्ड्स और अमेरिकन एक्सप्रेस दोनों ये सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे और इस तरह के कार्ड लॉन्च करेंगे ताकि वो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए जो है वो स्पेशली लॉन्च किया जा सके जैसे उसका नाम भी जो है वो रखा जाएगा एस बी आई इलीट एस बी आई जो है प्रीमियम तो इस तरह से नाम जो है वो उसका रखा जाएगा तो ये दोनों मिलकर जो है वो ऐसा करेंगे और एस बी आई कार्ड का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अगर परसों की न्यूज देखोगे उसमें भी, भी बताया था कि एस बी आई कार्ड्स के जो एम डी और सीईओ हैं वो कौन है अश्विनी कुमार कौन है अश्विनी कुमार ये याद रखना आपने हेडक्वार्टर कहां पे न्यू दिल्ली और अमेरिकन एक्सप्रेस पता ही लग रहा है कहां की कंपनी है यूएसए की कंपनी है तो अमेरिकन एसबी कार्ड्स का याद रखना है तो ऑफरिंग प्रीमियम कस्टमर्स के लिए ये बात आपने याद रखनी है नेक्स्ट आते हैं पिक्चर से इस क्वेश्चन को देखोगे uh, कि इंडियन रेलवे का जो वेस्टर्न रेलवे है उन्होंने लॉन्च किया है रोल्स आउट यूजर डेपो मॉड्यूल अक्रॉस वेस्टर्न रेलवे इसका मतलब वेस्टर्न रेलवे तो आपको पता है वेस्टर्न रेलवे कौन सा है दैट इज द चर्च गेट इसको याद रखोगे यही इसमें इंपॉर्टेंट है अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है चर्च गेट है मुंबई में वो वेस्टर्न रेलवे है उसने यूजर डिपो मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया है इसके अंदर बताया गया कि, कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन कर दिए कि यहाँ से सामान जो है वो आप रखोगे तो अगली जगह पे सामान जाएगा तो ये फुल डिजिटलाइज है तो इसमें कोई भी जो है वो हेरफेर जो है वो नहीं हो सकती बस ओनली जो बंदा इसको ट्रेन तक लेके आ रहा है जिसका सामान है वो मैनुअल है अभी अभी पूरा डिजिपलाइज नहीं हुआ लेकिन अदरवाइज जो रस्ते वाला काम है वो डिजिपलाइज हो गया तो वो है यूजर बस और कुछ नहीं है इसमें और कुछ याद करने वाला नहीं है नेक्स्ट हु एड्रेस टी एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नाउ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जीसीटीसी जीसीटीसी का मतलब बेसिकली क्या है दैट इज ग्लोबल काउंटर टेरोरिज्म काउंसिल ग्लोबल काउंटर टेरोरिज्म काउंसिल और किस बात के लिए हुई है एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए हुई है तो कौन अटेंड करेगा दोस्तों इसको अटेंड करने वाला बंदा होगा जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनर्जी होंगे मतलब मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस होंगे और वो कौन है धर्मेंद्र प्रधान जी इन्होंने इस मीटिंग को क्या किया है अटेंड किया है किसके बारे में बात की होगी आ, की, आ, बात की है कि हमने किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो तैयार करना है कोविड नाइनटीन के बाद तो जीसीटीसी आप कह सकते हो एक उत्तर प्रदेश बेस्ड जो है उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो इस बात के बारे में सोच रहा है कि किस तरह से टेरोरिज्म को काउंटर कर सकते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में जो है वो बात कर सकते हैं पोस्ट कोविड नाइन्टीन में इसका थीम भी ऐसे ही रखा गया है एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन पोस्ट कोविड नाइनटीन वर्ल्ड तो ये थीम जो है वो इसका रखा गया आप देख सकते हो श्री धर्मेंद्र प्रधान जूनियर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है स्टील इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया अदरवाइज कोई न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वर्ड आपने याद रखना है ग्लोबल काउंटर टेरिज्म काउंसिल इसका हेडक्वार्टर कहां पर नोएडा यूपी में नेक्स्ट बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद विच कंपनी टू तो ऑफर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस देखो ये तो आपको पता है कि बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अब हेल्थ इंश्योरेंस में भी उतर आई है लेकिन अब वो डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस भी दे रही है कि आपका कोई ऑनलाइन आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है आपके साथ ऑनलाइन जो है वो धोखाधड़ी हो सकती है किसी तरह की तो आप जो है वो कौन सा इंश्योरेंस करवा लो आप करवा लो डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस लेकिन अब उसको प्रमोट कौन करेगा उसको प्रमोट करेगी भाई कंपनी फ्लिपकार्ट कौन प्रमोट करेगा फ्लिपकार्ट मतलब फ्लिपकार्ट के थ्रू जो है वो चीजें बेची जाएंगी अगर आपको लगता है कि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है साइबर अटैक्स के कारण साइबर फ्रॉड हो सकता है आपके साथ या मलेशियस एक्टिविटी के कारण आपका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खराब हो सकता है तो आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हो जिसको नाम दिया गया डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस तो उसके थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो इंश्योर कर सकते हो तो ये फ्लिपकार्ट के साथ हुआ है याद रखना आपने फ्लिपकार्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है इसका सीईओ जो है वो पूछा जाता है फ्लिपकार्ट के कौन है दैट इज कल्याण कृष्णा मूर्ति मैं के के करके इसको याद करता हूं तो आपने इसी तरह से याद कर लेना है सीईओ कौन है कल्याण कृष्णा मूर्ति जी हैं हेड ऑफिस कहाँ पे फ्लिपकार्ट का वो बेंगलुरु हम कह सकते हैं कर्नाटका में तो वो आपको याद ही रहेगा क्लियर और बजाज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसके हेड याद करने की जरूरत नहीं है वैसे तापन है तापन सिंगाल लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं लेकिन हेड ऑफिस याद करना है पूरा महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र तो आप देख सकते हो और बजाज का 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 हुआ है है, आते हैं विच आई नोट। आई मतलब का है, नोट का मतलब बैंक नाम E क्या हो गया कि उन्होंने अपनी करेंसी को क्या कर दिया डिजिटलाइज कर दिया पूरा काम जो है वो क्या कर पेपरलेस कर दिया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि उन्होंने पूरा काम पेपरलेस कर दिया तो पेपर पेड़ बचेंगे तो बहुत सी चीजों को क्या होगा फायदा होगा तो आईबी से आप गेस कर सकते हो कि ये पेपरलेस किसने किया इंडियन बैंक ने जो है वो रिसेंटली आप कह सकते हो कि पेपरलेस कर दी है सारी चीजें मतलब कह सकते हो कि जो करेंसी नोट्स हैं वो डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने तो इससे क्या होगा कि अपने नोट्स को वो ऑनलाइन ही क्या कर सकते हैं आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो यूज किया जा रहा है उसको ट्रैक किया जाएगा तो ये है इंडियन बैंक आई नोट तो याद रखना है इसको इंपॉर्टेंट है कि आई नोट जो है वो किसने या आपको ई e नोट करके पूछेंगे क्योंकि आई तो इसके अंदर लिखा ही हुआ है कि इंडियन बैंक है और इंडियन बैंक का दोस्तों याद रखना है इंडियन बैंक का जो एमडी सी ओ है वो कौन है वो पदमाजा चुंद्रू है पदमाजा चुंद्रु पदमाजा चुंद्रू ये इसके कौन है एमडी और सीओ हेडक्वार्टर कहाँ पे इंडियन बैंक का चेन्नई चेन्नई तमिलनाडु कह सकते हो चेन्नई तमिलनाडु क्लियर याद रखना है और इसको पेपरलेस करने में हेल्प किसने की है माइक्रोसॉफ्ट ने की है माइक्रोसॉफ्ट ने, ने, ने इसकी हेल्प की है तो आप देख सकते हो इंडियन बैंकिंग लॉन्च इज ग्रीन दैट इज बी नोट ताकि आप करेंसी को ऑनलाइन क्या कर सको ट्रैक कर सको पेपरलेस हो गए आप इसको न्यूज uh, से बेसिकली uh, uh, देखोगे uh, मतलब आपको इंफॉर्मेशन है ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ये इंपॉर्टेंट भी है कि आरबीआई ने जो है वो बासल थ्री नॉर्म्स को और डेफर कर दिया है वैसे तो ये जून में अप्लाई हो जाने थे लेकिन कोविड नाइनटीन का ना अप्लाई नहीं हो पाए सितंबर तक जो है वो स्थगित कर दिए गए थे अब सितंबर से जो है वो मार्च तक स्थगित कर दिए गए मतलब थर्ट मार्च ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तकल थ्री नॉम्स जो है वो अप्लाई नहीं होंगे तो बासल एक जगह है स्विट्जरलैंड के अंदर तो बासल नॉर्म्स के नाम से फेमस हुए थे 1988 में जो है वो लागू किया गया था ईयर टू थाउजेंड तक पहले थे बासल फिर उसको बाद दो हजार चार के में लॉन्च किया गया दो हजार पंद्रह तक बासल टू चले अभी जो है वो बासल थ्री स्टार्ट होना था ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बैंक के पास उतनी रिस्क अमाउंट हो कि अगर वो खत्म भी हो जाए तो कल को कोई बैंक को नुकसान नहीं होगा तो दैट इज द बासल थ्री इसको कहते हैं दैट इज द रिस्क वेटेड रेशो वो बेसिकली बासल थ्री के द्वारा जो है वो गाइड किया जाता है कि इस तरह से आप रख सकते हो लेकिन अब ये याद रखना है कौन सी डेट को स्टार्ट होगा थर्टी मार्च टू को बासल थ्री नॉर्म जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे नेक्स्ट आते हैं हू इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स आपको और किसको बनाया गया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड जो है वो किसको बनाया गया है प्रेजिडेंट कौन बने हैं प्रेजिडेंट बने, है? बने है शेखर कपूर जी जो आपको पता होगा प्रधानमंत्री सीरीज जो एवीपी न्यूज पे थी उसको चलाने वाले बहुत ही फेमस सीरीज है वो शेखर कपूर जी हैं डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं एक्टर हैं स्क्रिप्ट राइटर हैं तो शेखर कपूर जी मल्टी टैलेंटेड पर्सन इससे पहले कौन थे ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी जो कि सीआईडी में आते थे आपने देखा होगा जो प्रदुमन जी हैं उनके भी बॉस थे वो कौन थे ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी तो वो थे पहले अब शेखर कपूर जी को लगाया गया शायद आपको पिक्चर देख के जो है वो याद आ जाए शेखर कपूर जी को एफ का चेयरमैन लगाया गया एफ टी पे है पूरा महाराष्ट्र कहां पे पूना महाराष्ट्र नेक्स्ट विच पर्सन बिकम द ब्रांड एम्बेडर ऑफ बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एक रियल स्टेट कंपनी है बंगाल की आ, अपने रियल जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी प्रमोशन करने के लिए इन्होंने जो है वो एक बंदे को ब्रांड एम्बेसिडर बनाया और वो क्रिकेटर हैं और वो कौन है सौरभ गांगुली जी कौन है सौरव गांगुली जो कि इसके बनाए गए तो आपको वैसे भी याद आ जाएगा अगर बंगाल पियरलेस लिखा हुआ तो बंगाल टाइगर और वो कौन है सौरभ गांगुली विराट कोहली जी को ग्रेट लर्निंग का बनाया गया एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है किसका सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है पेटीएम फर्स्ट गेम्स का अमिताभ बच्चन जी को आर ने हायर किया है ताकि वो क्या कर सके कैंपेनिंग कर सके कि फ्रॉड केसेस कम हो सके डिजिटल जो आपसे पिन पूछते हैं वो ना आप बताओ तो उसके लिए अमिताभ बच्चन जी को लिया गया है तो आप देख सकते हो सौरभ गांगुली जी बंगाल टाइगर और आजकल बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं तो बंगाल पियरलेस के इनको बनाया गया है नेक्स्ट विच क्रिकेटर ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट डिसमिसल ऑफ विकेट कीपर बाय एम एस धोनी मतलब क्वेश्चन सिंपल है कि एम एस धोनी जी के नाम पे रिकॉर्ड था कि विकेट कीपर के द्वारा मैक्सिमम डिसमिसल जो है वो किए गए हैं आउट किया गया हो और एम एस धोनी जी ने 91 वन टाइम जो है वो डिसमिस किया था प्लेयर्स को एज ए विकेट कीपर और नाइन्टी एट ट्वेंटी ट्वेंटी उन्होंने मैच खेले जिसमें नाइनटी वन विकेट आ, उन्होंने जो है वो ली है एज ए विकेट कीपर लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है वो किसके पास चला गया ऑस्ट्रेलियन वोमेन क्रिकेटर वो कौन है एलिसा हेले उनके पास ये रिकॉर्ड चला गया है उन्होंने जो है वो 92 विकेट्स जो है वो ले ली हैं एज ए विकेट कीपर हंड्रेड वन हंड्रेड फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी मत उन्होंने मैच जरूर ज्यादा खेले हैं धोनी जी से लेकिन उन्होंने विकेट जो है वो ज्यादा ले लिया है धोनी से एक विकेट जो है वो धोनी जी से ज्यादा ले लिया नाइनटी टू विकेट जो है वो उन्होंने एज ए विकेट कीपर ले लिया तो याद रखना है एलिसा हेले इन्होंने जो है वो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं वोमेन क्रिकेटर हैं तो इंपॉर्टेंट हो गया नेक्स्ट आते हैं विद स्टेट साइन ए फाइव ईयर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद वाटर इन द वाटर सेक्टर तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट uh, मैं इसलिए मार्क कर देता हूं क्योंकि स्टेट का है तो स्टेट लेवल पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कोई स्कीम स्टार्ट होती है तो वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर वो लिखा करो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये वाटर कंजर्वेशन के लिए है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाटर को बचाया जा सके और मैक्सिम टू मैक्सिम वाटर इरीगेशन के बेसिस पे हम यूटिलाइज कर सकें तो वो वाटर सेक्टर के अंदर डेनमार्क की कंपनीज के साथ टाई अप हुआ है दानिश वाटर फॉरम के साथ साइन हुआ है और वो कौन सी स्टेट है जिसके साथ ये साइन हुआ है और वो स्टेट है फ्रेंड्स गुजरात तो याद रखना है विजय रूपानी जी हमारे चीफ मिनिस्टर गुजरात के उन्होंने इस डेनमार्क वाटर सेक्टर के साथ साइन किया है तो गुजरात का टाई अप किसके साथ गुजरात का टाई अप डेनमार्क के साथ और गुजरात के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है विजय रूपानी जी गुजरात में है गिर नेशनल पार्क यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट नल सरोवर है यहाँ पे नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है तो ये सारी चीजें जो है गुजरात में है नेक्स्ट देख सकते हो बेसिकली ये न्यूज नहीं है, इन्फो है ये जनरल अटलांटिक जो कंपनी है उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 0.84 परसेंट का जो स्टेक है वो खरीद लिया है मतलब ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स हंड्रेड करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरल अटलांटिक करेगा किसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में, में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कम चांसेज है कि ऐसा क्वेश्चन आए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया ने जो है वो ब्राह्मोस मिजाइल का जो है वो टेस्ट किया है चार किलोमीटर इसकी रेंज है सरफेस टू सरफेस ये मिजाइल है ब्रह्मोस का मतलब है ब्रह्मपुत्र और मोस्को मतलब रशिया तो ब्रह्मपुत्र और मोस्को रिवर का मेल है तो इंडिया और रशिया के ये मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है सरफेस टू सरफेस है रेंज 400 किलोमीटर है और किसने इसको बनाया है डीआरडीओ ने बनाया है डीआरडीओ के हेड कौन है सतीश रेड्डी जी हैं कौन है सतीश रेड्डी और डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहां पे न्यू डेली कर लो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर ज्यादातर बच्चे बेंगलोर लगाते हैं लेकिन डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू डेली है तो इस चीज को याद रखना आपने बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे क्योंकि अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है अगर ट्रांसलेशन डे ना होता मतलब अगर ट्रांसलेशन ना होती क्योंकि अगर हमने किसी और कंट्री से बातचीत करनी है तो अगर ट्रांसलेशन का मीडियम ना होता तो हम दूसरी कंट्री के लोगों से बात ही ना कर पाते और ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्टर uh, है वो हिंडर हो जाता और वो ना पूरा हो पाता इसीलिए जो है वो ये दिन क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बेसिकली ये अवेयर uh, करता है लोगों को

ट्रांसलेट करने हैं तो इसका मतलब सितंबर क्या बन जाएगा ट्रांसलेशन डे थीम क्या है बहुत ही अच्छा लगा मुझे थीम फाइंडिंग दी वर्ड फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस कि ऐसे वर्ड्स हों जो लोगों को क्राइसिस से जो बाहर निकाल सके मतलब उनको हौसला प्रोवाइड करे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो याद रखना आपने कब मनाया जाता है थर्टियथ सितंबर को तो ये थे हमारे पास आज के करंट अफेयर्स आपने अगर अच्छा लगा वीडियो को तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाय इस वीडियो को लाइक करना है थ्री वीडियो लाइक हमें चाहिए ताकि हम मैक्सिमम टू तो मैक्सिम और कंटेंट के ऊपर वीडियोज जो है वो बना सके और ये अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ का प्रॉमिस है कि वो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन को जो है वो बूस्ट करेगा और साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप एक महीने तक लगातार वीडियोस को देखते हो और अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को आप पढ़ते हो तो आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत अच्छा होगा और आपको क्वेश्चन ठीक होने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे or uh, thank you for watching this video and take care